नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं नवरात्रि के त्योहार के बाद हम दिवाली की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। घर की साफ सफाई और अच्छे से अपने घर को डेकोरेट करना या फिर हम कह दें कि पुताई करना। हम सभी जानते हैं कि हम लोग अपने घर को और भी ज़्यादा अच्छे से साफ सफाई करने के लिए रंगों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि दीवारों को और भी ज़्यादा रंगीन किया जाए। और दिवाली की शुभता को लाने के लिए या फिर घर को और भी ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए भी हम रंगों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें किस कमरे में किस कलर का रंग करना चाहिए, ताकि हमारे घर में हमेशा धन धान्य बना रहे और माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहे। और इस दिवाली माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाती हुई आपके घर भी आए, तो इसलिए आज बताती हूँ मैं कौन से रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए आपको किस कमरे में। हम सभी जानते हैं ड्राइंग रूम में, यदि आप ड्राइंग रूम में भूरा आसमानी कलर का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा माना जाता है। आप ड्राइंग रूम में इसमें से कोई सा भी एक कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दोनों कलरों का एक पट्टी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कमरा भी अच्छा लगेगा और वह सुंदर भी नजर आएगा। यदि आप रसोई घर में पेंट कर रहे हैं तो पेंट करते समय ये भी ध्यान दीजिए कि रसोई घर में गुलाबी या फिर लाल कलर के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। यह बहुत शुभ माना जाता है और अच्छा भी होता है। यदि इस दिवाली पर लाल या गुलाबी कलर का इस्तेमाल करते हैं आप रसोई घर में, तो वह बहुत ज़्यादा अच्छा और खास होता है। इस दिवाली आपके घर पर माता लक्ष्मी खुद आए और आपको आशीर्वाद दे, इसके लिए हम लोग साफ सफाई अच्छे से करते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बरसे और भगवान कुबेर का भी आप पर धनावृत्ति बरसे, तो उसके लिए आप ध्यान दें, अपने घर पेंट करते समय अपने कलर का ध्यान दें। यदि आप कलर सही से चुनते हैं और सही से चुनकर उनको पेंट करते हैं तो वह अच्छे माने जाते हैं। आप यदि पेंट कर रहे हैं या फिर आपने बाहर से किसी को पेंट करने के लिए बुलाया है, तो इस बात का भी ध्यान दें कि यदि आप पेंट कर रहे हैं तो आप दिशा को ध्यान में रखकर ही पेंट करें। यदि आप पूर्व दिशा की ओर पेंट कर रहे हैं तो पूर्व दिशा में आप सफ़ेद कलर का पेंट कर सकते हैं। सफ़ेद कलर या फिर जो भी हल्के कलर आते हैं शामिल होते हैं, उन कलर का इस्तेमाल करें। आप ज़्यादा डार्क कलर या फिर आँखों को चुभने वाले कलर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि यदि आप पूर्व दिशा में कभी भी रंग ज़्यादा डार्क वाले इस्तेमाल करते हैं तो वह आपको आंखों को छुपते भी हैं और वह रोशनी की वजह से फीके भी पड़ जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि हल्के कलर ही इस्तेमाल करें। यदि आप दक्षिण पूर्व दिशा की ओर पेंट कर रहे हैं तो उसके लिए भी ध्यान दीजिए, आप नारंगी या फिर पीले कलर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि नारंगी और पीले कलर का इस्तेमाल करते हैं तो ये शुभ भी माना जाता है और आपके वास्तुशास्त्र को भी काफ़ी हद तक अच्छा कर देता है। यदि आप चाहते हैं कि इस दिवाली माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा बरसे और कुबेर भगवान भी आपको आशीर्वाद और आशीष दे, तो उसके लिए आप रंगों का ध्यान दें। रंगों का सही चुनाव आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आ सकता है, और ये खुशियां आपको दोगुनी करने के लिए आपको तरीके से पता होना चाहिए कि आपको किस दिशा में कौन से कलर का इस्तेमाल करना है। यदि आप उस दिशा में सही कलर का इस्तेमाल करते हैं तो वह आपकी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा कलर भर देता है, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी में खुशहाली होगी तो कलर तो अपने आप ही ब्राइटनेस लगने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इस दिवाली आप यदि पेंट कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।